मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। अच्छा, ये जो मेला लगता है आज, किस पक्ष में मेला लगता है, क्या मान्यता है? ये आज तो वैसे देखा जाए भैया दूज है, और यहाँ पर ये जमजोतिया का मेला बोलते हैं। ये बाबा परमहंस की समाधि स्थली है, और इसलिए दीपावली के एक दिन बाद जरता पड़ता के, मतलब दीपावली तीसरे दिन ये मेला लगता है हर साल। ये बाबा यहाँ पर समाधि ली है, बाबा परमहंस महाराज, और इन्होंने स्वयं से समाधि लिया था। स्वयं यही रामायण पढ़ रहे थे बैठ के, और इनके यहाँ से अग्नि निकली, और उस टाइम अंग्रेजों का ज़माना था। लोगों ने बुझाने की बड़ी कोशिश किया, लेकिन वह अग्नि बुझी नहीं, तो बाबा ने आशीर्वाद दिया भाई बुझाओ मत, और यहीं पर जो है उनकी स्थली बन गई, ये समाधि ले ली बाबा। और इनकी पूरी प्रताप से इस गांव में आज तक कभी आपदा नहीं आती है, किसी प्रकार की आपदा नहीं आती, जैसे भूकंप और बड़ी बीमारियां, भयानक बीमारियां, ऐसा बाबा की कृपा से कुछ नहीं होता है। सब इनका आशीर्वाद है, पूरा गांव इनको श्रद्धा से पूछता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये मेला लगता है यहाँ पर जब नंदी का स्थान था पहले, और ऋषि यहीं रहते थे, उनके में बड़ी शक्ति थी, वो यहाँ पर सती हुए थे, अपने जल गए थे, जल के दिखाए थे अंग्रेजों को, और उनका महत्व बहुत बड़ा है। जो फल मथुरा में स्नान करने से मिलता है, वही फल आज के दिन यहाँ पर स्नान करने से इस अखड़ो माई के स्थान पर मिलेगा, इसी वजह से मेला लगता है। कितना पुराना है ये मेला? ये 150 लगभग हो गया होगा, 100 वर्ष ऊपर हो गया होगा। और क्या मान्यता है, यहाँ कितनी भीड़ आती है यहाँ पर? अरे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी जुटते हैं आज के दिन। आज यमद्वितीया यानी भैया दूज का पावन पर्व है, और इस अवसर पे जौनपुर जिले के जमैथा में एक मेला लगता है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ गोमती नदी में स्नान करने पे वही फल प्राप्त होता है जो मथुरा में यमुना नदी में नहाने पे प्राप्त होता है। और यहाँ इसी वजह से लाखों लोग सुबह से ही महर्षि यमदग्नि की तपोस्थली पर स्नान करके दर्शन करते हैं और फल प्राप्त करते हैं। हरमेन सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।